Hello, student. Welcome to my channel. Today we will discuss the poem "Arrival of the Monsoon" that was written by Tufik Rafat. Uh, first of all, we will discuss about the biography of the poet Tufik Rafat is a Pakistani poet, and he is called as the father of the um, Pakistani idiom in the English language. And uh, he used the English words, use of the Urdu uh, idioms, proverbs in English language.

the uh, different themes in this poem pessimism uh, in 1947 that was the time uh, there was a bloodshed destruction uh, muslims were killed um, brutally even the women were raped and uh, uh, even everywhere uh, we have seen the uh, bloodshed in the streets and uh, the different parts of the bodies were फाउंड इन द स्ट्रीट्स इन द होम्स एंड द बर्न आउट द डिफरेंट हाउजिज जो भी जिस तरीके से भी मुस्लिम जो था जो हिस्ट्री की दुनिया की सबसे जो बड़ी जो माइग्रेशन थी वो नाइनटीन फोटी सेवन में हुई इन द फॉर्म ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इट सब कॉन्टिनेंट डिवाइड हुआ और पाकिस्तान uh, और इंडिया दो कंट्रीज uh, जो थे uh, वो आज़ाद हुए पाकिस्तान uh, में जो लोग आए Basically, it was the time, the pessimistic time of that uh, Muslims, or uh, because uh, they lost everything, they lost their relatives, they lost, uh, they lost their properties, uh, and they sacrificed the lives, uh, their own um, relatives. So it was the time that was a time of pessimism, a hopeless situation. Thi, Log jo, the, jo, the apni jo trust tha, wo sab kuch, um, jo tha Uh, सब कुछ uh, पाकिस्तान के नाम पर सब कुछ अपना सेक्रीफाइस कर चुके थे सो so, उनके नज़दीक कोई भी uh, जो थी uh, कोई भी होप बाकी नहीं थी जिंदगी का जो एक एलिमेंट होता था वो लाइफ उनके नज़दीक सिर्फ एक लाइफ थी जो कि वो इंडिया से माइग्रेट करके जब पाकिस्तान आए तो ये ओनली वन थिंग जो थी uh, उस पर ही वो सेटिस्फाइड थे इसके अलावा दे हैव नथिंग ठीक है इवन के जो पहली ट्रेन पाकिस्तान में एंटर हुई थी देर वॉज नॉट एनी पर्सन हु वॉज़ अइफ और इवन द द द पार्ट्स ऑफ वर वर जस्ट व कट डाउन सिख जो लोग थे उन्होंने कट डाउन करने के बाद जो डिफरेंट सैक्स बोरियाँ थी उनमें डाल दिया और जब पहली ट्रेन जो थी जो कि गुरदासपुर से पाकिस्तान में एंटर हुई तो उसमें कोई भी पाकिस्तानी मौजूद नहीं था इसकी एक बेस्ट जो एग्जांपल है क्रैकिंग इंडिया जो बि uh, सिदवा ने लिखा था नावल आइस uh, कैंडी मैन उसमें बेस्ट डिपिक्शन की गई है कि किस किस तरह से जो मुस्लिम्स थे उन्होंने सफ़र किया था और क्या क्या रूटेलिटी का सामना हुआ वायलेंस था डिस्ट्रक्शन था किलिंग था uh, राइट्स हुआ और इसी तरीके से ये डिफरेंट एलिमेंट को उसने डिस्कस किया प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन के टाइम पीरियड को लेकिन इट वाज द टाइम व्हेन वेन दे गॉड द पाकिस्तान ये नाइनटीन फोर्टी सेवन का फोर्टीन अगस्त का टाइम था और नाउ द पीपल गॉड देयर आइडेंटिटी इन द फॉर्म ऑफ द पाकिस्तान पाकिस्तान द गॉड देयर ओन होम लैंड जहां दे कैन स्पेंड देयर लाइव अकॉर्डिंग टू द देयर ओन वैल्यूज वैदर देर आर मुस्लिम द क्रिश्चियंस एवरी कम्युनिटी कैन स्पेंड देयर लाइव अकॉर्डिंग टू देयर ओन रिचुल्स ओन वैल्यूज ओन रिलिजन एक तरह से जो आइडेंटिटी थी जो हिंदू के साथ रहने की वजह से लॉस्ट हो गई थी ब्रिटिशर्स के ये रूल की वजह से जो हिंदी हिंदू थे अपने मेजॉरिटी जो थे मेजोरिटी की वजह से जो अपने जॉब्स में एजुकेशन में पॉलिटिक्स में हर में जो काबिज थे उसमें मुसलमानों की जो आइडेंटिफिकेशन थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी आ, इवन के लैंग्वेज जो है वो भी जो है बहुत हद तक जो थी इंग्लिश uh, जो है वो जो सरकारी अदारों के अंदर उन्होंने नाफज कर दी थी और पर्शियन लैंग्वेज उर्दू लैंग्वेज का जो इन्फ्लेंस था वो ख़त्म हो गया था ये वो टाइम था दैट वाज़ अ वेरी पेनफुल टाइम फॉर द मुस्लिम्स और uh, इसी तरह रिकलेक्शन ऑफ द मेमोरीज और ये वो टाइम था जब वो जो मुसलमान जो यहाँ पे आए थे माइग्रेट करके सब कॉन्टीनेंट इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट करके आए थे दे हैव देयर वेरी पेनफुल मेमरीज़ मिजरी थी और आप कह सकते हैं कि वो जो सारे एलिमेंट जो उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने प्यारों को कटते हुए मरते हुए जलते हुए देखा था इवन द मैनी वन वर वर जम्पड इन द इन द रावी रिवर और पता नहीं कितने ही कुएं थे उनमें छलांगे लगा दी अपने दे जस्ट वॉन्ट वॉन्टेड टू अस्केप फ्रॉम द रेप तो ये वो सारी चीज़ें थी जो अब तो यू कैन से इट वाज अ टाइम वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान मेजॉरिटी द जनरेशन विच विच वाज आप कह सकते हैं कि uh, ऐसा टाइम विच वाज द टाइम के दैट इज़ सो पेनफुल और uh, जो लोग थे वो uh, जो जनरेशन थे ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी अब सो uh, so, ये तफीक तो रफ़त ने उस सारी चीज़ों को जो है दोबारा रिवाइव किया है और इसके अलावा यू नो स्टालजिक पीपल के बारे में डिस्कस किया तो वो, वो पीपल जो कि माइग्रेट करके कुछ ऐसे लोग थे जो कि इंडिया में रह गए थे कुछ ऐसे लोग थे जो कि इंडिया से माइग्रेट करके पाकिस्तान आ गए थे कुछ ऐसे कहते थे यहाँ से आ, मतलब पाकिस्तान बनने के बाद जब डिवाइड हुआ है सब कॉन्टीनेंट तो बहुत से लोग थे दूसरे कंट्रीज में भी सेटल डाउन हो गए थे तो आ, एक तरह से डिसलोकेशन बहुत बड़े पैमाने पर हुई थी अप्रोक्सीमेटली पाँच से सात लाख लोग तो बेसिकली अराइवल ऑफ मानसून जो है इसी सारे एलिमेंट को एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट कर रही इन द फॉर्म ऑफ द फोर्टीन अगस्त नाइनटीन और ये वो टाइम था जब द मुस्लिम गॉट देयर ओन होम अब यहाँ पे जब स्टार्ट करता है पोम वो कहता है द ग्लाइडिंग डेज आर ओवर वो जो पेनफुल टाइम था वो जो मिजरी थी वो दैट हैज़ बीन फिनिश्ड अब दे गॉट देयर ओन होम लैंड द बर्ड्स आर टोस्ट और साइड वाई एंड बैक एंड लिफ्टेड अगेंस्ट देयर विल अब ऐसा यहाँ पे जो बर्ड्स का है वो डायस डायस्पोरा जो है लोग हैं जो माइग्रेट कर गए थे उन लोगों के बारे में डिस्कस किया है कि जब पाकिस्तान बना तो क्या था लोगों को इधर से उधर माइग्रेशन का सामना करना पड़ा और उनकी एंड लिफ्टेड अगेंस्ट देयर विल और अपनी मर्जी के ख़िलाफ़ ऐसा हुआ था बहुत से लोगों की प्रॉपर्टीज थी लेकिन दे हैव टू लीव एवरीथिंग बिहाइंड देम सो सो ये उस टाइम पीरियड को डिपिक्ट कर रहा है बिफोर द थर्स्ट ऑफ द लिबर्टी लेटिंग विंड वट एवर इज नॉट फिक्सड प्लेस टू गो स्ट्रेन नॉर्थ वर्ड टू द कॉनिफर। वो कहता है कि अब वो टाइम था कि अब um, जो है लेबरेटिंग विंड यहाँ पे इस्तेमाल किया है रेफरेंस है नाइनटीन फोर्टी सेवन पार्टिशन सिविल वॉर का ऐसा था कि पहले जो था वो टाइम था नाइनटीन फोर्टी सेवन जब ब्लड शेड हुआ सिविल वॉर हुई वॉयेंस हुआ डिस्ट्रक्शन हुआ क्योटिक सिचुएशन थी तो कहता है कि अब जो है कुछ भी चीज़ें कोई भी होप मौजूद नहीं थी लिहाज हर तरफ जो था जो खून था वो खून हर तरफ था और चाहे आप मशरक़ देख लें नॉर्थ वर्ड टू द कॉनिफर लैंड जो है अगर उसकी यहाँ पे वो मिसाल ये देना चाह रहा है कि नॉर्थ वर्ड टू द पाकिस्तान से उसको अटैच कर रहा है कि हर तरफ आखिरकार उन्होंने द गॉड द पाकिस्तान देर ओन होम लैंड और यहाँ ड्रंक विद द मोशन क्लोथ ऑन द वॉशिंग वो ये वो टाइम और साथ साथ वो उस टाइम को मेमोराइज़ कर रहा है कि जब आ, लोगों को काटा गया था रेप्ट किया गया था वुमेन को और जला दिया गया ब्लड शेड किलिंग की गई सिविल वॉर का टाइम था वो सारी के सारी सिचुएशन वो कहता है कि हर तरफ इंसानियत जो थी लहूलुहान थी इसी तरह रेंज जो है यहाँ पे वो यूज़ कर रहा है न हमेशा जो सोर्स ऑफ प्रोगेशन के एक एलिमेंट होता है नेचुरल इमेजरी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल तो फिक्र फत करते हैं और हाँ आपको पता है कि नेचुरल इमेजरी का इस्तेमाल करने का मेन मकसद भी यही होता है कि नेचर इज़ ऑलवेज द सोर्स ऑफ द सोर्स ऑफ कम्फर्ड हीलिंग इफेक्ट होता है नेचर इज़ ए नर्स जैसे विलिमर्ड्सवर्थ कहता है टीचर है नर्स है हीलर uh, है मदर है इसी तरीके से यहाँ कहता है कि जो रेंज जो हो है वो इज़ अ सोर्स ऑफ हीलिंग ऑफ इमोशंस और जो हर्ट फीलिंग है उसको उससे uh, निजात के एक जरिया है एंड वॉशिंग लाइन द स्ट्रीट वेयर वॉज द ब्लड शेड ऑफ द ह्यूमन हर तरफ खून ही हून बिखरा हुआ है एवरी थिंग इज फ्री पर एवरी थिंग इज फ्री एंड द इलेक्ट्रिक वायर इज स्विंग और यहाँ पे वो कहता है कि मुख्तिक जो सिम्बलिज़म uh, का इस्तेमाल परसोनीफिकेशन का इस्तेमाल कर रहा है कि यहाँ पे रेन का मकसद ये कि ह्यूमन फीलिंग हैप्पीनेस फ्रीडम के मायनों में दे रहा है और इसी तरह इलेक्ट्रिक वायर इस स्विंग किया है कि अब वो टाइम है ज़िल और uh, ज़िल और जिस्ट का आफ्टर द नाइनटीन की पार्टीशन के बाद द नाओ दीपल आर फ्री ऑल दे हैव लॉस देयर होम्स देर रेलेटि और ऑल द पीपल आर डेड दे आर इंटरनली दे आर हर्ट और डेड हैं जिंदा तो हैं लेकिन वो मर चुके हैं अंदर से जो कुछ उन्होंने देखा है जो कुछ बर्दाश्त किया है बट दे है न्यू होम लैंड और न्यू बर्थ है न्यू होम लैंड की न्यू नेशन की एक बर्थ है सो दे हैव टू बी फील हैपीनेस एक्साइटिड एंड होपफुल ऐट देट टाइम इसी तरीके से जो है इमेजरी जो नेचुरल इमेजरी का इस्तेमाल किया जिसमें रेन का इस्तेमाल किया गया है जो कि न्यू लाइफ को डिपिक्ट कर रही है वाटर पगेशन ऑफ इमोशन को यूज़ करती है क्योंकि जो वाटर होता है हमेशा जब आप देते हैं तो आप रूट्स को जब प्लांट्स को दिया जा रहा होता है या ट्रीज़ को दिया जा रहा होता है तो इससे जो नरिशमेंट होती है बढ़ती है एक नई लाइफ की तरफ मूव कर रहे होते हैं फ्लावर्स की तरफ फ्रूट्स की तरफ सो रेन जिस तरह एक सोर्स ऑफ न्यू लाइफ है फ्लोरा और फाना के लिए इसी तरह जो वाटर है एक uh, हमेशा याद रखें वाटर रेंज होता है फर्टैलिटी का एलिमेंट होता है इसी तरह जो ट्री होता है वो बेसिकली uh, हमारे इन्वामेंट के अंदर क्या होता है शेड ऑफ द डस्ट के लिए इस्तेमाल होता है इसी तरह वो कहता है कि ये जो um, सारा सीन है ये जो अराइवल ऑफ मूनसून है जो बारिश है हमारे लिए एक uh, जो है uh, एक तरह से न्यू लाइफ रीबर्थ ऑफ द न्यू नेशन और न्यू लाइफ का एलिमेंट है और इसी तरीके से जो ट्रीज़ हैं वो जो हैं प्योरीफाई कर रहे होते हैं इसी तरह एक इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट हो चुका है कि अब हम पाकिस्तान हासिल कर चुके हैं और अब हम जितना भी वायलेंस और ब्रूटेलिटी का हमें सामना करना पड़ा है अब वी हैव टू होपफुल Uh, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और विंड यहाँ पे इस्तेमाल किया गया एक सिंबल नेचुरल इमेजरी सिंबल जैसे भी विंड का भी इसने इस्तेमाल सिंबल भी के तौर पे भी यूज़ किया और यहाँ पे इमेजरी के तौर पे भी यूज़ किया विंड का वो कहता है कि सडन वायलेंट विंड जो है रिमूव ऑल द बैड मेमरीज जब ये आएगी विंड जो है विंड हवा जो है अपने साथ ही जो तुम जो बैड और पेनफुल मेमोरीज हैं वो अपने साथ लेकर चले जाएँगे तो uh, बेसिकली जो अराइवल ऑफ मानसून है uh, आपको ये डिपिक्ट करवा रही है कि नाइनटीन फोर्टी सेवन का प्री टाइम पोस्ट टाइम पीरियड और इसी तरह जो uh, जो डायस्पोरिक uh, जो पीपल हैं माइग्रेशन उनको बर्ड जैसे जो सिंबल हैं वो डिपिक्ट कर रहे हैं अब यहाँ पे एक uh, जो आइडेंटिटी जो मुस्लिम्स जो हैं हमेशा आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार रहे हैं जब वो हिंदू के हिंदू जब सब कॉन्टिनेंट में इकट्ठे रहते थे तो यहाँ अब वो एक तरह से सोर्स ऑफ आइडेंटिटी भी गेट कर रहे हैं अब यहाँ पे एक और चीज़ है दो चीज़ों के बारे में डिस्कस किया समर वर्सेस विंटर अब यहाँ जो समर का सीजन होता है जब समर आता है ठीक है जब चिल और स्नो का जो वेदर है ख़त्म हो जाता है तो समर गिव द न्यू लाइफ टू तो द प्लांटेशन एंड प्रोड्यूसिंग द वीड्स होता है और अगर आप साथ साथ वो स्नो को भी अगर विंटर को देखें तो विंटर का जो एलिमेंट होता है वो यूज़ किया जाता है विंटर मतलब सर्दी और चिल लेकिन इसके साथ साथ इट्स इमेज ऑफ द वाइट कलर और जो वाइट कलर होता है हमेशा पीस का कामनेस का और स्मूथनेस का जो है वो सिंपल कंसिडर किया जाता है एंड द लव गिवन बाय द पाकिस्तान और अब यहाँ पे वो डिस्कस कर रहा है कि अब दे हैव टू दे हैव टू चेंज देयर सेट माइंड्स कि अब वो टाइम आ गया है कि दे हैव टू लव देयर कंट्री देयर देयर ओन होमलैंड और जितनी भी हार्शनेस जितनी डार्कनेस उन्होंने uh, जो उनकी लाइफ में थी जो सब कॉन्टिनेंट में रहते हुए उन्हें बियर करनी पड़ी थी दे हैव टू फो गेटेड अबाउट इट टू टेक अ न्यू स्टार्ट और इसी तरीके से वो ये भी डिस्कस uh, कर रहा है कि किस तरीके से अब uh, जो न्यू होमलैंड के बाद दे हैव टू बी होपफुल और जो uh, जितनी भी अब जो सेल्फिशनेस है ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस उनको भी यहाँ पे डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहा है जो हार्श रियलिटीज़ हैं जो करप्शन है वॉयलेंस है नाइनटीन फोर्टी सेवन के बाद जो पोस्ट टाइम पीरियड हुआ तो आपको पता है कि साथ साथ वो टाइम पीरियड भी चल रहा है जिसमें डिक्टेटरशिप uh, है या फिर जो करप्शन है वो भी उसको भी डिपिक्ट कर रहा है यहाँ पे एक थीम ये भी लिया जा सकता है सेल्फिशनेस ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के हवाले से ये जो अराइवल ऑफ मूनसून है ये वाटर है उन सब uh, जो uh, जो कहते हैं ना डार्कनेस हार्श रियलिटीज को डिजोल्व कर देगा और रिमूव कर लेगा तमाम फैंसीफुल और इमेजिनेटिव जो कवरिंग है उसको विच वॉज प्रोड्यूस बाय द पाकिस्तानी पॉलिटिशियन और देर इज़ वन मोर थिंग इम्पॉर्टेंट इज द नोस्टॉलिक नोट दैट ऑल द पास रिलेशन बिफोर नाइनटीन फोर्टी सेवन वॉर्स साउंड रिमेम्बरिंग वट दे लॉट वट दे लॉस्ट बट नाउ विद द होम लैंड एवरी थिंग इज़ बैक इन दियर ट्रैक एंड दिस इज द साइन और क्या साइन है uh, पाकिस्तान किस चीज़ का साइन है लव का हारमनी का यूनिटी का डिसप्लिन का और मैनर और फीलिंग का है और फर्स्ट रेंज पार्टीशन के पास uh, पार्टीशन की बात जो हुई है वो बेसिकली एक होप है uh, सब लोगों के लिए हुयर होम्स रेलेटिव और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि नाउ विद द रेन एवरीवेयर इज द एक्साइटमेंट हैप्पीनेस और दिस रेन इज़ क्लियरिंग द स्ट्रीट एंड ऑल्सो विच वर ब्लड ड्यू टू द नाइनटीन फोर्टी सेवन वॉर विद द ह्यूमन ब्लड और अब जो सारी सिचुएशन है वो चेंज हो हो चुकी है इसी तरह वो ऑप्टिमिस्टिक जो अप्रोच है उसको डिपिक्ट कर रहा है और दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोम आई होप यू अंडरस्टैंड इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क